दोस्तों अभी चल रहा है दुर्गा पूजा और आज है शुभ विजय, इसलिए मेडिकल सॉल्वर यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी को दुर्गा पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा भिलोर में सीएमसी हॉस्पिटल का मैं खुद एक मेंबर हूँ और भिलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में मैं काफ़ी बार जा चुका हूँ, आता जाता रहता हूँ। भिलोर में सीएमसी हॉस्पिटल का जो बुक वगैरह है उसके बाद जो वेबसाइट है वहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा स्टडी करते रहता हूँ और इसलिए भिलोर में सीएमसी हॉस्पिटल के बारे में जितना ज़्यादा जो न्यूज़ आता है, जितना अपडेट आता है, मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ। सो दोस्तों आप लोगों को ये भी पता होगा कि भिलोर में जो सीएमसी हॉस्पिटल है काफ़ी पुराना हॉस्पिटल है। इसका जो फाउंडर है डॉक्टर आईडीएस सोफिया स्काडर, काफ़ी ज़्यादा बहुत दिन पहले इन्होंने इस हॉस्पिटल को स्थापित किए थे कुछ थोड़ा बहुत बेड को लेके, लेकिन पेशेंट का संख्या दिन ब दिन बढ़ते गया, उसके बाद हॉस्पिटल भी दिन ब दिन डेवलप होते गया, बेड का संख्या भी बढ़ने लगा। और आप सभी को पता होगा कि अभी इस टाइम सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, इंडिया का बाहर का बहुत सारा कंट्री से इस हॉस्पिटल में आता है विजिट करने के लिए, जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, यूनाइटेड अरब और भी बहुत सारा कंट्री है यहाँ पर ट्रीटमेंट करने के लिए आता है और उसका ट्रीटमेंट भी सक्सेस हो जाता है। सो दोस्तों यहाँ पर पेशेंट का संख्या दिन ब दिन अभी इस टाइम इतना ज़्यादा पेशेंट का संख्या हो गया है और सर्जरी इतना ज़्यादा बढ़ गया है, बेड तो लिमिटेड है, इसलिए इस हॉस्पिटल में भिलोर में सीएमसी हॉस्पिटल की तरफ से एक अलग सा कैंपस को बनाया गया है। आप लोगों को पता ही होगा रानीपेट में बनाया गया है रानीपेट कैंपस, वहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट को मूव किया गया है और आने वाला टाइम में बहुत सारा डिपार्टमेंट भी मूव हो जाएगा, जिसकी वजह से पेशेंट का संख्या डिवाइड हो जाएगा और ट्रीटमेंट करने के लिए बहुत बेहतरीन फैसिलिटीज़ भी हो जाएगा। और रानीपेट जो कैंपस हुआ है दोस्तों वहाँ पर जो ट्रीटमेंट मिलेगा वही सेम ट्रीटमेंट मिलेगा जो भिलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में आप लोगों को मिलता था। सो दोस्तों देखिए, लेकिन बात यह है कि अगर क्या आपको भिलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में अभी इस टाइम जाना चाहिए, आपका तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोगों को पता ही होगा कि दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था भिलोर में सीएमसी हॉस्पिटल का खिलाफ, और वहाँ पर इससे पहले मैंने कुछ इस टाइप का वीडियो नहीं बनाया था, पहली बार मैंने इस टाइप का वीडियो बनाया था। और वहाँ पर कुछ आप लोग बता रहे थे, बहुत सारा कमेंट आ रहा था वीडियो का नीचे, आप लोग मुझे बताया कि आप ठीक ही कह रहे हैं, कुछ लोग बताया आप गलत बता रहे हैं और कुछ लोग गाली भी दिया है, नेगेटिव कमेंट किया है। सो उन लोगों के लिए मैंने एक बात बताना चाहूँगा, आप लोग तो वीडियो को कम्प्लीटली देखते नहीं हो, पूरा कम्प्लीट देखते नहीं हो, बीच में छोड़ देते हो, आप लोगों को एंड तक देखना चाहिए था। मैंने भिलोर में सीएमसी हॉस्पिटल का खिलाफ कुछ गलत नहीं बताया था और इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें। सो फिलहाल के लिए छोड़िए उस बात को। सो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊँगा कि आपको भिलोर में सीएमसी हॉस्पिटल जाना चाहिए। देखिए आप वैसे भी भिलोर में सीएमसी हॉस्पिटल जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बात है, आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि देखिए सिर्फ भिलोर में सीएमसी हॉस्पिटल नहीं, जितना सारा हॉस्पिटल है इंडिया के अंदर जो फेमस फेमस हॉस्पिटल है वहाँ पर जो सक्सेस रेट तो होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ फॉल्ट भी आता है, कुछ ट्रीटमेंट गलत भी हो जाता है और डॉक्टर्स का बिहेवियर भी अच्छा नहीं होता है। मैं भिलोर में सीएमसी हॉस्पिटल का बात कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मान के चले कि आप भिलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में गए हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए और आपका ट्रीटमेंट, अगर ट्रीटमेंट में कोई भी आप लोगों को गलत नज़र में आता है, डॉक्टर का बिहेवियर आपको ठीक तरह से नहीं लग रहा है, डॉक्टर का बातों में आप लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, ट्रीटमेंट में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, आपका ट्रीटमेंट ठीक तरह से नहीं हो रहा है, तो आप दूसरा डॉक्टर को दिखा सकते हैं। भिलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में काउंटर में जाने के बाद या तो फिर सिल्वर गेट में जाने के बाद आप लोगों को अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, दूसरा डॉक्टर को आप वही सेम डिपार्टमेंट में दूसरा डॉक्टर को आप दिखा सकते हैं, या तो फिर किसी भी डॉक्टर का खिलाफ आप लोगों को कंप्लेन करना है तो आप लोग कंप्लेन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप लोगों को सतर्क रहना है। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। और वैसे भी आप भिलोर में सीएमसी हॉस्पिटल जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। और दोस्तों और एक बात, जब आप अलग सा जगह में, बहुत सारा जगह में डॉक्टर को दिखाते हैं, बहुत सारा मेडिकल रिपोर्ट्स करते हैं, बहुत सारा प्रेस्क्रिप्शन वगैरह है, उसके बाद मेडिसिन भी लिए हैं, जब आपका कोई सॉल्यूशन नहीं आता है तो आप में से बहुत सारा लोग आज भी भिलोर में सीएमसी हॉस्पिटल का नेम लेते हैं, वैसे नाम नहीं लेते हैं, कुछ कारण तो होता है। देखिए आप लोगों को पता ही होगा कि अगर आप भिलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में जाएंगे या तो फिर आपका जो रिश्तेदार है, आपका फ्रेंड्स है, आप लोगों को जरूर रेकमेंड करेगा कि भिलोर में सीएमसी हॉस्पिटल में जाने के लिए, क्योंकि उन लोगों को पता ही होगा कि भिलोर में सीएमसी हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होता है, यहाँ पर सक्सेस रेट ज़्यादा होता है, ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट ज़्यादा होता है, उसके बाद ऑपरेशन का सक्सेस रेट भी ज़्यादा होता है। समझ गए, आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप लोगों को
सतर्क रहना है, ध्यान से आप लोगों को समझना है। डॉक्टर अगर आप लोगों को ट्रीटमेंट में कहीं भी प्रॉब्लम आएगा, अगर आप लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, आप लोगों को दूसरा डॉक्टर दिखा लेना चाहिए, या तो फिर डॉक्टर के खिलाफ़ अगर आप लोगों को कॉम्प्लेन करना है तो आप कॉम्प्लेन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों और एक बात देखिए, भेलोन में जो CMC हॉस्पिटल है, यहाँ पर मैं खुद काफ़ी बार जा चुका हूँ, मेरा रिश्तेदार को लेके मैं काफ़ी बार जा चुका हूँ, थोड़ा बहुत मेरा जो फ्रेंड्स वगैरह है उसको लेके भी मैं जा चुका हूँ, और चैनल के लिए मैं आता जाता रहता हूँ, इसलिए मुझे भी काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। यहाँ पर जो डॉक्टर जो देखता है, डॉक्टर का जो टाइमिंग्स है, काफ़ी ज़्यादा टाइम दे के देखते हैं, और यहाँ पर डॉक्टर जो आपका पुराना जो बैकग्राउंड है, यानी कि पुराना जो ट्रीटमेंट हुआ है, जितना सारा प्रिस्क्रिप्शन वगैरह है, रिपोर्ट्स वगैरह है, मेडिसिन वगैरह है, सारा कुछ देखते हैं, डिटेल्स में देख के डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करता है। वैसा ट्रीटमेंट नहीं करता है जैसे कि अलग सा जगह में जो ट्रीटमेंट होता है, हड़बड़ी टाइप का ट्रीटमेंट होता है, बेलोर में CMC हॉस्पिटल में इस तरह का नहीं होता है। बस बात ये है, देखिए सिर्फ बेलोर में CMC हॉस्पिटल नहीं, जितना सारा बड़ा बड़ा हॉस्पिटल है, जैसे कि चेन्नई में अपोलो हॉस्पिटल, बेलोर में नारायणी हॉस्पिटल, और भी बहुत सारा हॉस्पिटल है, वहाँ पर सक्सेस रेट तो होता है, लेकिन कुछ फॉल्ट भी आता है, डॉक्टर का खिलाफ कुछ फॉल्ट भी आता है, डॉक्टर का खिलाफ कुछ कॉम्प्लेन भी आता है, ट्रीटमेंट का फॉल्ट भी हो जाता है, ऐसा कॉमन चीज़ है, होता रहता है, आपको सतर्क रहना है, समझ गए। सो दोस्तों मैं क्या कहना चाहता हूँ, उम्मीद है कि आप लोग सब कुछ समझ भी गए हैं, और अगर इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा भी कहीं भी जगह में कोई भी कॉन्फ्यूजन होता है, तो आप इसी वीडियो का कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कुछ सवाल पूछ सकते हैं। और वैसे भी दोस्तों अगर आप मेरे साथ चैट के द्वारा बात करना चाहते हैं, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमारा इंस्टाग्राम ID पे आइए, इंस्टाग्राम ID का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो का डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप इंस्टाग्राम पे आने के बाद आप मेरे साथ चैट के द्वारा बात करना चाहते हैं तो बात कर पाएंगे, और कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं, मैं खुद उसका रिप्लाई दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।